हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस वाला ब्रेक। सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे स्टडी कर रहे होंगे। तो जो ये आज का हमारा टॉपिक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और मैंने दो या तीन टाइगर रिजर्व से टॉपिक कवर कराया जो कि न्यूज में चल रहे थे। मैं आप लोग को करंट का ही टॉपिक डेली कवर कराती हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम आप अलग अलग टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रही है, तो जो करंट के टॉपिक है जो न्यूज में चल रहा होता है उस पर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो सारे हमारे करंट्स के टॉपिक है वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले देखेंगे है कहाँ पे। उत्तर प्रदेश टाइगर रिजर्व पीटीआर में लगभग 27 बाघों को अब चित्रकूट में नव अधिसूचित रानीपुर टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। तो जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये हमारा है उत्तर प्रदेश में। तो ये न्यूज में क्यों आया है, न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि उसमें से जो 27 बाघ है वो चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। इसका हम लोकेशन देखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। ये लखीमपुर खीरी बहराइच जिले में है। यह भारत का 45वां टाइगर रिजर्व परियोजना है। भारत का 45वां टाइगर रिजर्व परियोजना है। यह रिजर्व का उत्तरी किनारा भारत नेपाल के साथ स्थित है। यह 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किया गया था। अब हम लोग इसका देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संबंध में सही नहीं है। इसमें पूछा है सही नहीं है, सही क्या है ये नहीं पूछा है। ठीक, तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई कोई आ जाता है कि इसके संबंध में ये है नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा है ये यूपी के पीलीभीत जिले और लखीमपुर में स्थित है, यही तो मुझे लग रहा है सही नहीं है। बाकी आगे भी पढ़ते हैं हम। यह 45वां टाइगर रिजर्व है। ये 2008 से प्रोजेक्ट के टाइगर के तहत कवर किया गया था। इसका दक्षिणी किनारा सादर नदी से जुड़ा है। मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन इसको नहीं बताया, पर ये भी सही है, ये भी सही है और ये नहीं सही है। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हमारा ही हो जाएगा ये। तो आप लोग को ये क्लास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।